आज का हमारा पहला वीडियो का सर इस टीम ने रिकॉर्ड किया था। आज ये लोग जिस घर की जांच पड़ताल करने वाले हैं, इस घर के बारे में ये कहा जाता है कि इस घर में एक माँ और उसकी छोटी बेटी को मार के दफनाया गया था, यानी कि इस घर में आज भी वो दफन है। ये लोग जब इस घर की जांच पड़ताल कर रहे थे तो इसी बीच यहाँ पर कई सारी अजीबो गरीब एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती हैं, यानी कि दरवाजे खुद ब खुद खटकने लग जाते हैं, अजीबो गरीब आवाजें आने लगती हैं। इन सब से हटके यहाँ पर एक नन पे रिकॉर्ड हो जाते जिसने अपने हाथ में क्रॉस का साइन पकड़ा है। खैर ये लोग जैसे इसे देखते हैं ये लोग इसके पीछे भागते हैं, लेकिन इतनी देर में ये नन यहाँ से कहीं गायब हो जाती है और उसके बाद से ही इन लोगों की लाइटें ब्लिंक करना शुरू कर लेती हैं और खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। ये लोग मोमबत्ती जलाते हैं और उसके बाद जो नजारे देखने को मिलते हैं उन्हें तुम लोग खुद ही देख लो, मैं तुम्हारा मजा खराब नहीं करूंगा। Big word, Jimmy. Bye, bye, bye. Hey, get some of them! Oh, no! Oh, no! They're both of them! Wait a minute! He's working on a part of it! Side up inward! Bye. ये नन कभी इधर से आती है तो कभी उधर से आती है, चारों तरफ से इनको डराती है। तुम लोग खुद देख सकते हो ये लोग कितने ज्यादा डर चुके हैं, लेकिन ये लोग फिर भी इसका सामना करते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजे को लात मार के ये बंदा अंदर जाता है तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो आखिर वो नन गई तो गई कहाँ ये कोई नहीं जानता है। तो इस वीडियो के बारे में तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा दूसरा वीडियो ट्रू और स्टोरी ने अपलोड किया था। कहानी की शुरुआत इस डिलीवरी बॉय से होती है। आज ये बंदा इस अपार्टमेंट में किसी को पार्सल डिलीवर करने के लिए आया हुआ है, लेकिन ये अपार्टमेंट इतना ज्यादा बड़ा है कि इस बंदे को यहाँ वो घर मिलता ही नहीं है जहाँ पर पार्सल डिलीवर करना होता है। खैर ये बंदा काफी देर इधर उधर भटकता रहता है, आखिरकार इस बंदे को उस घर का पता मिल ही जाता है। जब ये बंदा यहाँ सीढ़ियों से जा रहा था तो सीढ़ियों के बीच में इस बंदे को कोई अजीबोगरीब औरत मिलती है जो कि काफी वियर्ड तरीके से बात कर रही थी। खैर ये बंदा इसे इग्नोर करता है और ऊपर चले जाता है। जब ये बंदा यहाँ इस गेट के पास आता है तो ये बंदा क्या देखता है कि सामने वही लेडी बैठी हुई है जो कि थोड़ी देर पहले सीढ़ियों पे मिली थी, तो आखिर वो इतना जल्दी ऊपर कैसे आ सकती है। खैर ये बंदा दरवाजे को बजाता है तो वहां से कोई औरत आती है जो कि इस बंदे से पार्सल ले लेती है। इसे कहते हैं तुम थोड़ी देर यहीं पर रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आ रही हूँ। और उसके बाद ये बंदा काफी देर यहाँ पर खड़ा रहता है, लेकिन वो औरत अंदर से बाहर आती नहीं है। आखिर वो कहाँ गई। ये बंदा आवाजें लगाता दरवाजा बजाता है लेकिन इस बंदे को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। इस बंदे को काफी ज्यादा प्यास लगी हुई थी तो ये बंदा धीरे से दरवाजा खोलता है और सामने पड़ी बोतल पानी की उठाने लगता है, लेकिन अचानक इसके मन में कहाँ से पता नहीं ये विचार आ जाते हैं कि किसी से पूछे बिना उसका सामान नहीं उठाना चाहिए। तो ये बंदा धीरे से वापस आ जाता दरवाजे को बंद करने लगता है और उसके बाद ही हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है कि जिसे देखकर कोई भी डर जाएगा। तो मैं तुम्हारा मजा खराब नहीं करूंगा, तुम लोग खुद ही देख लो।
duit. Oh. Ah, ya ya. Saya pun lupa tadi memang silap saya kak. Eh, terima kasih banyak-banyak. Aduh. Okey. Ah. Dah okey 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 okey. Okay. Tak ada apa-apa. Ah, terima kasih kak. आज का हमारा तीसरा वीडियो इंडोनेशिया के किसी गांव का। ये गांव काफी ज्यादा बदनाम माना जाता है और जिस जगह का ये वीडियो है ये जगह तो इतनी ज्यादा हॉन्टेड है कि ये कहा जाता है कि यहाँ पर अक्सर रात के टाइम सरकटा भूत घूमता रहता है और वो जिस किसी को देख लेता है उसकी तो खैर नहीं। खैर मैं इन बातों पर बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन आज ये बंदा जब इस जगह की जाँच पड़ताल कर रहा था तो इसी बीच यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती है, लेकिन इन सबसे हटके यहाँ पर वो भूत भी रिकॉर्ड हो जाता है जिसका सर कटा हुआ है और इसने अपनी मुंडी अपने ही हाथों में पकड़ी हुई है। तुम लोग खुद देख सकते हो इसका सर दर्द से अलग है, पूरा खून से रंगा हुआ है। तो ये सब पॉसिबल कैसे हो सकता है? क्या किसी के पास इस सवाल का जवाब है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पालानी दी टेंग टेंग आवा इस्तगफार या अल्लाह सुबह वा ini ngeri banget cuy. Gak tahu lihat kepalanya wak, kepalanya. Matanya nyala wak. Astagfirullahaladzim. Korin itu wak gak tahu lihat banyak darah. Oke, gue coba pakai senter. Terang dulu ya kalian supaya paham. Astagfirullahaladzim. Darah semua wak. आज की हमारे चौथे वीडियो में तुम लोग देख सकते हो कि ये बंदा जब इस घर की जांच पड़ताल कर रहा था तो यहाँ पर कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। चारों तरफ शोर ही शोर है, हर तरफ खून खराबा हो रहा है। हिम्मत तो इस बंदे की है जो कि अभी तक इस घर में सरवाइव कर रहा है। तुम लोग खुद देख सकते हो कि सामने पड़ा हुआ स्टूल खुद ब खुद हिल रहा है। हालांकि इस स्टूल को ना किसी रस्सी से बांधा गया है और ना ही कोई यहाँ पर इंसान मौजूद है, तो ये खुद ब खुद कैसे हिल सकता है? खैर ये तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे चल के जो नजारे देखने को मिलते हैं उन्हें तुम लोग खुद ही देख लो। और डरना मत नहीं तो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। काम निकुंजी काम। ya Allah kaget gua, kira setan lewat putih cuy. Sumpah guys. Sama kayak emang di sini cuy. Bang, kayak emang kita keluar aja guys ya. Anjing. Astagfirullahaladzim. Kang. Wujud-wujudnya buat penunggu yang ada di sini. Masih gua ganjel, masih gua tutup, masih gua kunci. कि हमारे आखिरी वीडियो में मैं तुम्हें इस लेडी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि ये लेडी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। शायद तुम्हें याद हो कुछ टाइम पहले मैंने इस लेडी पे एक वीडियो बनाई थी जब इसका चेहरा पूरा खून से भरा हुआ था। ये लेडी पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई थी और अपना गला दबाने में मजबूर हो चुकी थी, अपने आप को मार रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। चलिए मैं मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।